न जाने भारत में मुसलमानों की लिंचिंग का सिलसिला कब खत्म होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद भारत में मुसलमानों पर जम करके कहा जा सकता है कि जुल्म सितम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों से बदला लिया जा रहा है। बदला शायद इस बात का कि कुछ सत्ताधारियों को उनकी सोची हुई, उनकी जो सोची समझी, जो उन्होंने जो आंकड़े सोचे थे वो जब वो प्राप्त नहीं कर पाए तो शायद मुसलमानों पर जुल्म सितम के आंकड़े बढ़ा दिए गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक और मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। आपने देखा था कि पिछले दिनों किस तरह से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में औरंगजेब को चोरी के इल्जाम में भीड़ ने मारा और फिर उन्हें ऐसे मारा कि उनकी मौत हो गई। अब उसी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से खबर सामने आई है जहां जुबैर नाम का एक लड़का, जिसकी माँ अस्पताल में एडमिट थी, उस माँ के लिए वो पानी लेने के लिए अस्पताल के बाहर आया। पानी लेकर के जब वो जा रहा था, इसी दरमियान उसे कुछ लड़के मिले। उन लड़कों ने इससे नाम पूछा। जैसे ही इसने अपना नाम जुबैर बताया, इसके साथ मारपीट की गई और इतनी बेरहमी से मारा गया कि ये बुरी तरीके से घायल हो गया। हम आपको पूरा मामला बताते हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले का वीडियो शूट किया गया। हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी भयानक है। बुरी तरीके से मारा जा रहा है, गालियां दी जा रही है। हम इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म या फेसबुक प्लेटफॉर्म के गाइडलाइन के खिलाफ है और फिर इस वीडियो को बेवजह डिलीट कर दिया जाएगा। हम आपको उस FIR कॉपी को पढ़ करके बताते हैं कि किस तरह के मामला सामने आए। भारी विरोध के बाद कुछ मामला जो है वो दर्ज किए गए हैं और 115 का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, नकल तहरीर हिंदीवादी सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी बन्ना देवी जनपद अलीगढ़। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी आसिफ सनफ रफीक, नई आबादी अलीगढ़, मेरा भतीजा जुबैर सन ऑफ आरिफ मलखान सिंह, जिला अस्पताल अलीगढ़ में अपनी मां नमरीन के आंत का, यानी कि जो इंटेस्टाइन होता है, उसका ऑपरेशन के संबंध में हॉस्पिटल गया था। प्यास लगने पर मां ने बच्चे को पानी लेने भेजा। बच्चा ठंडा पानी लेकर जनाने हॉस्पिटल गया। वहां पहले से खड़े रवि और उसके दोस्त किशन व दो अज्ञात लड़कों ने उससे उसका नाम पूछा। पता चलने पर कि वह मुसलमान है, मलखान सिंह की छत पर ले जाकर के, यानी कि उस अस्पताल की छत पर ले गया और ले जाकर के लात व घूंसों से बच्चे को बहुत बुरी तरीके से पीटा। उसकी मॉब लिंचिंग की गई। महोदय, बच्चे ने मारे डर के इस संबंध में घर में आकर कुछ जानकारी नहीं दी, परंतु अपराधी द्वारा बच्चे को मारकर उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया गया। पीड़ित थाने आया है। जिन व्यक्ति द्वारा मजहब की बुनियाद पर बच्चों की लिंचिंग की गई है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। प्रार्थी SD हिंदी आसिफ सनफ रफीक, नई आबादी अलीगढ़, दिनांक 5/7/2024। मैं HC 540 सत्यपाल सिंह प्रमाणित करता हूं, नकल की तहरीर शब्द व शब्द मेरे द्वारा कंप्यूटर पर टाइप की गई है, यानी कि ये दिया गया। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 115 और 353 दो का इस्तेमाल करके अब इन लोगों के ऊपर जो है वो FIR दर्ज किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ FIR दर्ज किया जाएगा या फिर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मॉब लिंचिंग को लेकर के कड़े कानून सामने आए हैं। सबा खान ट्वीट करती है, आफ्टर एडमिटिंग हिज मदर नमरीन, ये तमाम जानकारी इनके द्वारा दी गई है। दे हैड इवन फिल्म द इंसिडेंट्स और ये फिल्म बनाया गया। पुलिस ने जो है एक केस जो है अब इन लोगों के ऊपर दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इन दोषियों को कब और कैसी सजा मिलनी चाहिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या ऐसे लोगों के ऊपर मॉब लिंचिंग के उस कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जिसे अमित शाह ने इंट्रोड्यूस करते हुए कहा था कि इसमें मौत की सजा तक दी जा सकती है, 20 साल की सजा से लेकर के मौत तक की सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा होगा भी या नहीं होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।